आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड को आधार या फिर मोबाइल नंबर से कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे epds.bihar.gov.in पे, यहाँ पे आने के बाद जैसे आप नीचे करेंगे यहाँ पे रेड कलर की एक पट्टी दी हुई है आधार और मोबाइल नंबर को लिंक करने के लिए क्लिक करें। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये जो साइड है अभी जो है खुल नहीं रही है, सर्वर डाउन बताया जा रहा, ये साइड अभी ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है। तो फिर आप अपने राशन कार्ड को आधार या फिर मोबाइल नंबर से कैसे जोड़ेंगे? आप जो अभी ये वेबसाइट हमने अभी जो खोला है ये बिहार सरकार की वेबसाइट है। आपको क्या करना है, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। कैसे करना है सब कुछ बताने वाले हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए इस लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल वाले आइकन के घंटे को बजा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे पल पल की योजना की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुँच सके। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं, भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको सर्च करना है ईपीडीएस पोर्टल। जैसे आप ये लिख के सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। खुलने के बाद जो सबसे फर्स्ट में देखने को मिल पा रहा आपको ईपीडीएस पोर्टल ऑफ इंडिया pdsportal.nic.in, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आप भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आप सबसे ऊपर में देख पा रहे स्टेट गवर्नमेंट पोर्टल्स, यहां पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको जो है जितने भी स्टेट है वो यहां पे आपको सारे देखने को मिल पाएंगे और यहां पे जो भी आपका स्टेट है वो यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहां पे हम बिहार को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, यहां पे आप बिहार पे हम क्लिक कर देते हैं। जिस पे इस पे हम क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरीके से खुल करके देख पर ये जो साइड है 100% काम कर रही है भारत सरकार की और यहां पे इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। यहां पर खुलने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बता रहे, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उनके बाद यहां पे फर्स्ट में देख पा रहे आपको सर्विसेज यहां पे देखने को मिल पा रहे, आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है और यहां पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे देखिए जैसे हमने क्लिक करा यहां पे देखिए इस तरीके से खुल करके आ गया है। चलिए हम आपको फिर से बैक करके बता देते हैं कैसे आपको आना है। यहां पे जैसे हमने सर्विसेज पे हमने देखिए क्लिक करा और यहां पे देखिए क्या आ रहा है, रजिस्टर योर मोबाइल नंबर। देख पर यहां पे ऑप्शंस जो है दे दिया गया है, यानी आप अपने मोबाइल नंबर को जो है रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर योर मोबाइल नंबर पे हम क्लिक करेंगे ये देखिए खुल करके आ चुका है। यहां देखिए फाइनली यहां पे देखिए आ चुका है, ऐड करने के लिए यहां पे मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है। आपको क्या करना, आप बिहार में जिस भी डिस्ट्रिक्ट से रहते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए रहेंगे, जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सपोज मान लेते हैं मैं यहाँ पे मान लेता हूँ मैं पटना से हूँ, तो मैं यहाँ पे पटना पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कुछ थोड़ा सा लोडिंग का टाइम लेता है, ठीक है। ये उनके बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे आप जो है अपना ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि देख पा रहे डिस्ट्रिक्ट जो है सिलेक्ट हो गया है। आपको क्या करना, अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है, जो भी आपका ब्लॉक पड़ता है वो यहाँ पे आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। आपको क्या करना, इसमें से जो है जो भी आपका ब्लॉक पड़ रहा है वो आपको ब्लॉक जो है सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम इस ब्लॉक को जो हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका जो ब्लॉक पड़ रहा है वो भीता पड़ता है तो हम यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उनके बाद यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस मिलेगा FP शॉप, यहाँ पे इसका मतलब है कि आप ही के एरिए का जो भी डीलर है जहाँ से आप राशन लेते हैं उस डीलर का यहाँ पे आपको नाम देखने को मिल जाएगा। तो आपके एरिए का जो भी डीलर है वो यहाँ पे आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे, उनका यहाँ पे नाम जो है दिया हुआ है। आपके एरिया का सारे डीलर का नाम यहाँ पे देख पा रहे, यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना जो डीलर का नाम है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके डीलर का नाम जो है वो अजय पासवान यहाँ पे देख पा रहे इस तरीके से आ रहा है, तो आपको भी इसी तरीके से अपने डीलर का नाम जो है सिलेक्ट कर लेना आप ही के एरिया का। उनके बाद क्या करना है, यहाँ पे अपना कस्टमर नाम डाल देना, यानी आपके राशन कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर आपको सही सही आपको डाल देना है। उनके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप जोड़ना चाहते हैं अर्थात लिंक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे सारा चीज डाल देंगे तो आपको इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपको रजिस्टर कर देना है। चलिए मैं आपको बताते हैं कैसे आपको करना है। जैसे ही आप अपना नाम और मोबाइल नंबर डालेंगे उनके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो आपका शो होने लगेगा और यहाँ पे आपको
कस्टमर डाटा सबमिटेड देखने को मिलेगा, और ये जो डाटा है जो आपने डाली है ये आप ही के डीलर के पास ये डाटा चली जाती है, और वो जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वो इजीली तरीके से लिंक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप जो अपना मोबाइल नंबर जो है वो राशन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, सर्वर डाउन है फिर भी, तो इस तरीके से आप लोग जो कर लीजिए, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अब भी अपने दोस्तों में और परिवारों के साथ भी जरूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। मैं इस चैनल पे ऐसे ही तरह तरह की वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन के घंटे को बजा के रखें, अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुंच सके। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।